साई 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 मेरी गाय की तबीयत ठीक नहीं है साई. कुछ दिन पहले वो गड्ढे में गिर गई थी ना साई, तब उसे चोट आई थी और तब से उसकी चोट ठीक ही नहीं हो रही है साई. अब तो उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है. सुबह से बस शोर मचाए जा रही है और कोई उसे शांत भी नहीं कर पा रहा है साई. साई मुझसे उसकी तकलीफ सहन नहीं हो रही है साई. मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो न जाए साई. साई साई आप ही कुछ कीजिए ना साई. माई रोइए मत, शांत हो जाइए. अब घर जाइए, मैं उसके लिए उदी लेकर आता हूँ. ठीक है साई, जल्दी आइएगा. चंदू इतना क्यों हाँफ रहे हो? आपको अभी मेरे साथ चलना होगा. मेरा चचा का भाई और उसका बेटा मेरे घर आया है. उसके बेटे को दमक की बीमारी है, उसे अचानक दौरा पड़ा है. उसकी सांस इतनी फूल रही है कि पूछिए मत. जल्दी चलिए साई, नहीं तो मेरा भतीजा मेरे सामने दम तोड़ देगा. आप जल्दी चलिए साई. चिंता मत करो चंदू, तुम घर जाओ, मैं आता हूं. जी सही. चंदू काका के घर जा रहे हैं? पहले तो रकमा काके आई थी बुलाने और दोनों की समस्या गंभीर ही लग रही है, तो फिर आप किसकी मदद करेंगे? मदद तो उसकी ही कर पाता हूं जिसकी मदद रामजी मेरे हाथों करवाना चाहते हैं. तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया. ओम साई ओम साई ओम साई ओम. साई तो ऐसा कभी नहीं करते, वो हमेशा अपना वादा निभाते हैं. साई की लीला साई ही जाने. दिन रहते रहते बाजार हुआ था. हाँ वो देख रकमा काकी. अरे हाँ, साई पहले चंदू काका के यहाँ गए, शायद ये उन्हें ढूंढने द्वारका में ही जा रही है. रकमा काकी. हाँ क्या हुआ? काकी साई आते ही होंगे आपके घर. असल में बात ये हुई कि आपके जाने के बाद चंदू काका वहां आए थे, उनके भतीजे की हालत दमे की वजह से इतनी खराब हो गई कि साई को पहले वहां जाना पड़ा, लेकिन वो वहां से आपके पास ही. अरे नहीं नहीं, साई तो अभी भी हमारे ही घर में है. उन्होंने ही तो मुझे नारायण के घर ये गवार फाटा लाने के लिए भेजा था.
वहीं लेके घर जा रहे हो। चलते समझ नहीं आ रहा है। साई ने चंदू काका से कहा था कि वो उनके घर जाएंगे और साई रकमा काकी के घर चले गए। साई ऐसा कभी करते नहीं है कि किसी जरूरतमंद को बीच मझधार में छोड़ दे। हाँ तो इसमें परेशानी की क्या बात है, चलो चल के देखाते हैं। हाँ चल चलो। के नाम की चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। हो जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। अच्छा हुआ साई आप जल्दी आ गए, ये तो हमसे संभल ही नहीं रही थी। साई तो सच में यहाँ आए हैं। बहुत तकलीफ सही है तुमने, बस कुछ देर और फिर तुम्हारा दर्द कम होने लगेगा। मतलब रकमा काके से किया हुआ वादा साई ने पूरा कर दिया, लेकिन चंदू काका वहां बहुत परेशान हो रहे होंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं साई जल्दी ही उनके घर भी जाएंगे, लेकिन कहीं चंदू काका साई को ढूंढने के लिए फिर से द्वारका माई ना चले जाए। उससे पहले हम एक काम करते हैं, उनके घर जाकर उन्हें बता देते हैं। चलो तूने तो कहा था कि चंदू काका बहुत परेशान होंगे अपने भतीजे की तबीयत को लेकर। हाँ लेकिन यहां तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। पता नहीं। चंदू काका, काका हम आपको यही बताने आए कि आप चिंता मत कीजिएगा, साई आएंगे। आएंगे? साई तो आ चुके हैं। क्या? हाँ अंदर मेरे भतीजे के सीने पे मालिश कर रहे हैं। अच्छा अरे आइए देखिए ना, आइए आइए ये देखिए। ओम साई 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 ओम। चंदू के घर के बाहर जो बेल है उसके फूलों के कारण तुम्हारे बेटे को खांसी हो रही है, इसीलिए मैंने चंदू से उसे हटाने के लिए कहा। साई इतने सालों से हम आपको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अक्सर आपकी कृपा आपकी करुणा आपके सामर्थ्य की तुलना साधारण मनुष्य से करने लगते हैं। राम जी की इच्छा थी, पूरी तो करनी ही थी, वही सामर्थ्य देते हैं। जहां राम जी की इच्छा नहीं वहां मेरा सामर्थ्य मजबूर हो जाता है। राम जी भला करें। साई ओम साई ओम साई ओम साई।
साई नहीं आए। साई अरे हाँ साई कहाँ रह गए? साई आप पूर्णा की शादी के लिए जा रहे हैं? नहीं बीवा, एक और जरूरी काम है, वापस आने में देर हो जाएगी। यहाँ? हाँ मानिक, किसी की दवा खत्म हो गई है, उसे दोबारा बनाने के लिए
मुझे 5 औषधियां चाहिए जो यहीं जंगल में मिलती है। उनका मिलना बेहद जरूरी है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? मानिक, तुम्हारे पास हल्दी की गांठ होगी जो तुमने पेड़ से ताजा चुनी हो? है ना साईं, ये लीजिए, अभी अभी तोड़ी है। और क्या क्या चाहिए साईं? अश्वगंधा, आमला, कालमेघ, नागफली के फूल। आमला है मेरे पास, ये लीजिए, लेकिन बाकी सारी चीजें नहीं है। कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। वैसे भी मुझे ढूंढना ही है मानिक। एक और 5वीं चीज भी है जो ये औषधि बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं मिलेगी। वो क्या है साईं? एक पौधा जिसमें 5 साल में सिर्फ एक बार फूल निकलता है। मुझे वो फूल चाहिए। साईं, क्या मैं चलूं आपके साथ? नहीं मानिक, तुम घर जाओ और मसाले कूटना शुरू करो। हम सबको अपना अपना काम करना है। ठीक है साईं। हल्दी और आमले के लिए धन्यवाद। जुग जुग जियो, दूधो नाओ पुतो फलो। सदा खुश रहो। क्यों नहीं आए होंगे? उद्धव, प्रणाम काकी। प्रणाम। साई कहाँ गए? काकी, जब मैं यहाँ आया तो साई नहीं थे। क्या? साई तो पूर्णा की शादी में भी नहीं आए, तो मैंने सोचा उनके लिए खाना ले आऊं।
पूर्णा, आज से ये घर मैं तुम्हें सौंप रही हूं। और मैं तुम्हें अपना बेटा सौंप रहा हूं। ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। तुम देखोगी हम अक्सर बहस करते हैं, छोटे मोटे झगड़े भी करते हैं, लेकिन उन सबका आधार प्यार होता है, एक दूसरे के लिए चिंता होती है। हम दिन भर एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं और जब हमें लगता है कि सामने वाला गलती कर रहा है तो हमसे सहन ही नहीं होता, फिर उसे रोकने के लिए बहसबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन एक पल के लिए भी उसकी खटास हमारे रिश्ते में नहीं आती। हमारा प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं होता। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है मेरे बेटे की खुशी है। बचपन से लेकर आज तक मैंने इसकी हर खुशी पूरी की है, हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की है, कभी किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी इसे, कभी नहीं। ये समझ लो कि मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं, अपनी जान सौंप रहा हूं। इसका हमेशा ख्याल रखना, खुश रखना इसे। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। केवल वही फूल ढूंढना है लीजिए। अरे वाह बेटा। खीर? पूर्णा, तुम्हारे हाथों में तो कमाल का स्वाद है। और तुम्हारे आते ही इस घर में रौनक आ गई है। लेकिन गंगाधर, तुमने अपने इकलौते बेटे का विवाह किया है तो भगवान को तो धन्यवाद देना जरूरी है ना? नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। आप आदेश दीजिए गुरुजी। मुझे कल सपने में बंबई के मुंबा देवी के दर्शन हुए। मैंने देखा कि उनके सर पर सोने का एक छत्र चमक रहा है। मैं समझ गया उसका अर्थ क्या है। अब तुम्हें देवी के लिए सोने का छत्र बनवाकर चढ़ाना होगा। तभी देवी प्रसन्न होंगी। सोने का छत्र? कोई जरूरत नहीं है बाबा, पहले ही शादी में इतने खर्चे हो चुके हैं,
देखो भगवान की सेवा में खर्चा नहीं देखते, और वो भी ऐसे शुभ अवसर पर। अब शगुन होता है। अब शगुन? बेटा गुरुजी हमारे भले के लिए कह रहे हैं, अगर देवी माँ की इच्छा है तो वो छत्र में जरूर बनवाऊंगा। और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम छत्र बनवा देंगे, गुरुजी उसे मंदिर में चढ़वा देंगे, ठीक है? आहो बाबा की बात मान लीजिए ना, देवी माँ चाहती है सोने का छत्र तो जरूर चढ़ाना चाहिए, इस परिवार को ये आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन इस काम के लिए गुरुजी को परेशान क्यों करें? अभी थोड़ी देर पहले आई कह रही थी कि हमें कई बार घूमने जाना चाहिए। हाँ चलिए बम्बई चलते हैं, वहां मुंबई देवी के दर्शन भी हो जाएंगे और सोने का छत्र भी चढ़ा देंगे। ये तो बाजी ही पलट दी इस लड़की ने, छत्र इसके हाथ लगा तो मैं उसे बेच के पैसे कैसे बनाऊंगा। इस घर की बहू बनने के बाद पहली बार तुमने कुछ मांगा है। मैं मना कैसे कर सकता हूं, हम कल ही बंबई के लिए निकलेंगे छत्र चढ़ाने। वाह बेटा वाह, सचमुच तुम्हारे कदम इस घर के लिए शुभ है। देखो कितनी आसानी से मोहन ने गुरुजी की बात मान ली, और अब गुरुजी को भी मुंबा देवी जाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। सारी समस्याओं का हल एक साथ हो गया है ना? इसीलिए तो पूर्णा को जीवन साथी चुना है मैंने। आप चिंता मत कीजिए बाबा, अब से भगवान को जो भी चढ़ाना होगा वो मैं चढ़ा दिया करूंगी। ठीक है गुरुजी, बस आदेश करते जाए, इन्हें खुद परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने सुना है कि गुरुजी पिछले 7 साल से इस परिवार की सलामती सुख और समृद्धि के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो उनके कंधों से थोड़ा बार कम करना तो हमारा धर्म हुआ, सौभाग्य भी।